कैंसिल हो गया। अब कौन कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर जेड, ये कौन सा है आपके पास, वाई स्क्वायर जेड और ये वाई स्क्वायर जेड, तो ये भी कैंसिल कर दें, इसको दो लाइन से कर दें। अब कौन बचा आपको, सब पहचानने में भी दिक्कत नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचे बचे तीन बचे, माइनस एक्स वाई जेड बचा एक, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, जैसे तीन बचे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो ये इसका प्रूफ भी आ गया आपको। तो ये आप फार्मूला ध्यान रखेंगे तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो यहाँ अगर हम इसकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, दिस यू विल हैव टू कीप इन माइंड, मैं दोनों तरीके से इसका प्रूफ बताऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर आप समझ लोगे तो ये आपको बहुत काम आएगा। इसका एप्लीकेशन क्लास 10, 11, 12 सब में है, तो इसका आपको बहुत इस्तेमाल होगा, आप ध्यान से देखना। इसमें आप राइट साइड से, ये सॉरी लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको ऐसा लिख लो, अब इसमें देखो आपको क्या लिखा हुआ है राइट साइड में, क्या प्रूव करना है, वन बाय टू, तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू से आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो इसको कर दो या इसको, तो ये तो है नहीं, ये है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो सबको। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप ओपन करो, टू से सबको मल्टीप्लाई, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। अब एक काम करते हैं, वन बाय टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसा ब्रेक कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर को आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख लो आप वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास ध्यान से देखो, आपने किस किस को खत्म कर लिया, टू एक्स स्क्वायर को दो पार्ट में स्प्लिट किया टिक कर दो, टू वाई स्क्वायर को दो पार्ट में स्प्लिट किया टिक कर दिया। अब आप यहाँ पे ले लो सैंडविच बना के माइनस टू एक्स वाई, यहाँ पे टू एक्स वाई, तो आपको समझ में भी आ गया होगा ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया। अब आप ऐसा करें कि आपके पास कौन सा बचा है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ में ले लें आप, वाई स्क्वायर के साथ में ले लें एक जेड स्क्वायर को, और एक जेड स्क्वायर यहां पे ले लें आप, और वाई तो जेड स्क्वायर के भी दोनों बाइफरकेशन कर दिए। अब ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ में ये ले लें माइनस टू जेड एक्स, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो इसके साथ में इसको भी ले लें, इसको ये पहले यूज कर लिया, ये देखो ये यहां चला गया और ये वाली चीज यहां आ गई माइनस टू वाई जेड, ये चीज यहां आ गई, और ये जो चीज है ये यहां आ गई एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर ये टू जेड स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ये टू वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपका वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया आपका z माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया आपका y माइनस जेड होल स्क्वायर। अब आपको देख लो क्या लिखा है, y माइनस जेड पहले लिखा तो इसको यहां शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, हेंस दिस इज प्रूव्ड बिकॉज दिस इज आर एच एस, ये आर एच एस राइट हैंड साइड आ गई आपकी, तो ये इस तरीके से प्रूव हो गया। अब अगर मैंने जो दूसरी बात कही थी
कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तब क्या करोगे आप, तब आप फिर राइट हैंड साइड से सॉल्व करो। तो राइट हैंड साइड से कैसे सॉल्व करेंगे देखना, आप इसे खुद सॉल्व जरूर करना, जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। राइट हैंड साइड से ऐसे सॉल्व करो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनको खोल दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको खोलोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको खोलोगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 बहुत आसान है, आपके दिमाग में चढ़ गया होगा कि कैसे करना है, एक्स स्क्वायर ये 2x2, वाई स्क्वायर 2y2, जेड स्क्वायर 2z2, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, और इसके पहले लिखा हुआ था 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब 1/2 यहां लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो इनटू में ही है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2, तो 2 कॉमन ले लो इसमें से आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है जो मल्टीप्लिकेशन मैंने वहां लिखा हुआ है। तो फिर अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो यू विल हैव टू शो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको बताना पड़ेगा। तो उसका जो प्रूफ है तो आपको ये स्टार जैसा करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज स्टार, स्टार इज दिस, कौन सी बात स्टार है, दिस कंप्लीट थिंग इज स्टार, दिस प्रूफ इज स्टार। तो आपको स्टार जैसा प्रोसीड करना पड़ेगा, एंड इफ यू प्रोसीड इन द सेम वे देन यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, तब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। बट आई एडवाइस यू टू कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, पर मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसको अपने दिमाग में रखना और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव करना, क्योंकि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड विदाउट यूजिंग फार्मूला विल टेक मच टाइम, और आपके पास टाइम कम होगा, तो इसलिए आप ये फार्मूला याद रखना, और ये फार्मूला आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। कैसे काम आएगा, तो मैं देखो रब नहीं करता हूं इसको, आई कीप दिस फार्मूला एज इट इज, एंड लेट अस सी हाउ इट विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अगले क्वेश्चन में कैसे काम करेगा ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है, एनटीएससी पे भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना बस, फिर आपके मजे ही मजे। अगर आपने फार्मूले लर्न कर लिए तो फार्मूला ही की है, सक्सेस की फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ऐसा प्रूव करना है। तो आपको क्या लिखना है, आपको इसके सॉल्यूशन में लिखना है वी नो दैट, कि आपको ऐसा मालूम है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, एंड वी आर गिवन, क्या गिवन है अपन को, वी आर गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे हम, जीरो, और ये ब्रैकेट विल रिमेन एज इट इज, ये ऐसे ही रहेगा। तो जीरो इंटू बींग जीरो इन मल्टीप्लीकेशन इट बिकम जीरो, ऐसा जीरो हो गया, ये बन गया आपके पास इस तरीके से। तो इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका
3xyz is equal to x cube plus y cube plus z cube is equal to this much, या फिर आप ऐसा लिख दो जैसे अपन ऐसा कहते हैं a is equal to b कहो या फिर b equal to a, both are same, a बराबर b या b बराबर a, तो इसको आप इधर भेज दो x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. In this way it is proved now. अब ये proof हो गया. Question number 15 और शायद पीछे भी एक 16 है, तो हम 14 15 देखते हैं. अब पहले के वीडियो हमने छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बने और आप आगे आने के लिए थोड़े से इंक्लाइंड हो. लॉकडाउन का टाइम है और आपकी स्टडी सफर नहीं करना चाहिए, बेसिक इंटरेस्ट है मेरा ये. क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पार्ट है कि कैलकुलेट, क्या दिया है, कैलकुलेट माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब. तो आप इसको एक काम करें, इसको कंपेयर करो, तो ये कौन है, a क्यूब प्लस, इसको मान लो कि ये b क्यूब है, इसको मान लो कि आप c क्यूब है, और a प्लस b प्लस c क्या है, a प्लस b प्लस c है माइनस 12, a अंदर की चीज है, a ये है पूरा नहीं है, b क्या है, ये है b और c ये है, तो a प्लस b प्लस c ये कितना आ गया, जीरो. तो जो लास्ट रिजल्ट था जो हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, कि इफ a प्लस b प्लस c इज जीरो देन, उसमें x y z लिखा था, a b c नहीं लिखा था, तो कोई घबराने की बात नहीं है, a b c के लिए भी वही हुआ, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 a b c. तो ये a प्लस b प्लस c जीरो है, देयरफोर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, कौन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, तो ये जाएगा 3 इंटू a कौन माइनस 12, b कौन 7, c कौन 5, तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्लस इंटू माइनस माइनस, पहले किससे किसको कर दें, पहले 12 से 5 को कर दो, तो 12 5 जा कितना जाएगा 60, 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 180, 180 इंटू क्या कर दें आप 7 कर दें, 7 इंटू 0 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 जो कैरी किया तो 12 हो गया, ये आपका आंसर हो गया. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड इज वेरी सिमिलर टू दिस, इसी के जैसा है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई एट होम योर सेल्फ एंड प्लीज लेट मी नो इन केस इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डाउट्स और समथिंग एल्स और सम अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो, और कमेंट बॉक्स में लिखे ना, आप संकोच नहीं करना, बिल्कुल लिखिएगा आप मुझे, आपको मैं अच्छी से अच्छी तरकीब बताऊंगा, एक से एक बढ़ के तरकीबें, सारी तरकीबें मुझे याद है मालूम है, आप ध्यान से देखना. अगला क्वेश्चन है अपने पास, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. तो हमें दो केसेस दिए हैं, पहला और दूसरा, तो हम पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा आपके लिए छोड़ते हैं. 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसमें बोल रहा है कि आपको मालूम है ये एरिया है, ये व्हाट इज दिस एरिया, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसका मतलब है इसको फैक्टराइज करना है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया एंड एरिया इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करते ना, देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख देते 5a होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, तो 5a होल स्क्वायर, या एक काम करते हैं हम, जो फैक्टराइजेशन का बेसिक मेथड है उस पे काम करते हैं,
तो आप फैक्टराइजेशन का बेसिक मेथड ऐसा है कि ये 25 इंटू 12 कर लो, तो 25 इंटू 12 क्या होगा, तो अब इधर कर देता हूं मैं 25 इंटू 12, 12 फाइव या 60, 12 टू या 24, ये 300 हो गया। फिर से देख लेते हैं आप, 12 फाइव या 60 कैरी हुआ 6, 12 टू या 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया अपने पास 300। तो अपने को 35 को ऐसा ब्रेक करना है कि उसका सम यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इतना ही रहेगा, पर जो उसके कोफिशियंट्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा उसका, प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 300। तो देखो कैसे, ये है 25 ए स्क्वायर, तो 25 ए स्क्वायर ठीक है, 35 ए को ब्रेक करना है अपने को और ये 12 है, तो 35 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो अब मैं भी आपके साथ ही प्रैक्टिस करता हूं कि कैसे ब्रेक करेंगे इसको, कि इसका प्रोडक्ट जो है वो 300 आ जाए और सम या डिफरेंस इसका कितना रहेगा, 35 रहेगा। जैसे आपने 30 को 35 को ऐसा लिख दिया, 35 को मान लीजिए आपने, हमारे दिमाग में आया कि 30 प्लस 5 लिख दो, पर 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 तो कितना बनेगा अपने पास, ये तो 150 बनेगा, तो ये ऐसा वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। फिर अपन कैसे कर सकते हैं इसको, 25 इंटू 10 कर सकते हैं क्या, 25 प्लस 10 से भी होता है, तो 25 इंटू 10 देखो, आप देखते चलो, आप 25 इंटू 10 ऐसा सोचो, ये बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो 250 आएगा। तो फिर आप देखो 20 और 15 चलेगा क्या, 20 और 15 चलेगा, क्योंकि 15 टू या 30, 30 और 0 300। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 35 ए को ऐसा लिख दो मेरे दो बच्चों, आप इसको लिख दो 20 ए और 15 ए, 35 ए को स्प्लिट कर दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों माइनस के, इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो आएंगे ना, तो ये माइनस माइनस 35 ए, माइनस 20 और माइनस 15 है, दोनों को मिला लोगे तो दोनों माइनस के, तो दोनों मिल जाएंगे और माइनस के 35 ए बनेंगे। क्या कॉमन आ सकता है देखो इसमें से, तो इसमें से कॉमन आ सकता है आपका 5 ए, तो हो जाएगा 5 ए, 5 5 जा 25 ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 4, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, इसमें से आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 ए, माइनस कॉमन लिया तो प्लस विल बिकम माइनस, और 3 4 जा 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरा पूरा कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो पूरा पूरा क्या कॉमन आ गया, 5 ए माइनस 4, और अंदर बचेगा ये 5 ए और ये बचेगा माइनस 3, और ये जो था दोनों में से कॉमन आ गया, ये जो दोनों में से कॉमन आ गया आपके पास। तो अब आपके पास ये देखिए, ये क्या बन गया आपका, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको लेंथ बोल दो, इसको लेंथ बोलो, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, ब्रेड्थ, और इसको अगर आपने ब्रेड्थ बोल दिया तो इसको क्या बोलना पड़ेगा आपको, लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू दिस, ब्रेड्थ इज इक्वल टू दिस, और ब्रेड्थ इज इक्वल टू दिस और लेंथ इज इक्वल टू दिस। और एक और ऑप्शन हो सकता है जो बहुत होशियार बच्चों के लिए है, मतलब आप भी बहुत होशियार ही हो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इस बुक के आंसर्स मैंने देखे नहीं कि आंसर क्या है, लेकिन एक केस और हो सकता है कि इसको ऐसा लिख दें, 1 इंटू 25, 1 इंटू 5 ए माइनस 4, 3 ए माइनस 5 ए माइनस 3, ये लेंथ हो जाए और ये पूरा ब्रेड्थ हो जाए, या फिर ये ब्रेड्थ हो जाए और ये लेंथ हो जाए, ऐसा जब 1 इंटू में हो। पर होपफुली ये आंसर आपकी बुक में दिया नहीं होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं ये उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, और एक एडिशनल चीज जो हो सकता बुक में ना दी हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो वॉल्यूम्स दिए हैं आपको, तो इसमें भी दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड।
तो ये क्वेश्चन था, अब आपका ये 15 था, ये 16 थे, और लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, प्लीज लेट मी नो। पहला है, सिंपल है, 3x² - 12x। कॉमन ले लो 3, एक्स भी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस ये 3 × 4 = 12 आ गया। सिंपल है, इसमें से इसी इसको एल लोगे, एक को एल ले, एक एल लेना है, एक को बी लेना है, और एक को एच लेना है। अगर आप इसको 3x और इसको x माइनस 4 ले सकते हो, एक केस। दूसरा केस है, इसको 3 ले लो, इसको x माइनस 4 मान लो, और इसको x मान लो। अगला केस है, इसको x ले लो, इसको 3 ले लो, इसको x माइनस 4 ले लो। इसको x लो, इसको x माइनस 4 समझो, और इसको 3। इसको x माइनस 4 लो, इसको x लो, इसको 3 लो। इसको x माइनस 4, 3 और x। इस तरीके से ये 6 ऐसे केसेस बनेंगे, और 16 का सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करना, और प्लीज़ लेट मी नो। नेवर हेजिटेट इन कम्युनिकेशन, डू कम्युनिकेट विद मी। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, और नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। मुझे लिख के भेजना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। मैंने अलग अलग मेथड से, अलग अलग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और बेस्ट मेथड आपको समझाने के लिए यूज़ किए हैं। अदरवाइज आई एम हैविंग अ डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इन मैथमेटिक्स, सो आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम Class 6 टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस, एंड इवन फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग रिसर्च अंडर माई गाइडेंस। सो प्लीज नेवर हेजिटेट इन कम्युनिकेटिंग, डू कम्युनिकेट विद मी, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। प्लीज बी विद मी, डू लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट।